नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम की इस वीडियो श्रृंखला में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जो जानकारी हम लोग हासिल करने जा रहे हैं, उस जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि ये एक कोलैबोरेटिव वेब इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग तथा डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट एनपीजी साइंस कॉलेज रायपुर के बीच में। और इस कोलैबोरेटिव वेब इनिशिएटिव के प्रयास में डॉक्टर संदीप पंचुत्रे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट एनपीजी साइंस कॉलेज रायपुर से हैं, ये हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सर, इस श्रृंखला के इस कड़ी में जिसमें हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर देशमुख। नमस्कार प्यारे छात्रों जो उपलब्ध है, जो यहाँ उपस्थित है इस वर्चुअल क्लासरूम में। और जैसा कि डॉक्टर देशमुख ने बताया, एक ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। इसमें डॉक्टर देशमुख जो साइंस कॉलेज दुर्ग से है, उनका ये बहुत ही उम्दा प्रयास। और काफी दिनों से हमने लगभग 5 वीडियोस खनिजों के भौतिक गुणों के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे थे, और एक दो छात्रों ने फेसबुक के वॉल पे ये कहा था कि सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम कुछ सुनना चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये चर्चा जियोलॉजी भूवैज्ञानिक समय चक्र या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे करना प्रस्तावित किया था हमने, और डॉक्टर देशमुख ने इसकी चर्चा की थी, और डॉक्टर देशमुख इसके लिए बहुत आसानी से मान गए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम दोनों इस चर्चा को सामूहिक रूप से करेंगे। इस एंड पे मैं हूँ, उस एंड पे डॉक्टर देशमुख है। और ये जैसा कि डॉक्टर देशमुख ने कहा है कि यूजीसी के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें ये गिलहरी की रेत सी एक कोशिश है, और इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं विषय को आपकी अनुमति है तो शुरू करता हूँ। भूवैज्ञानिक समय चक्र या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एक जब हम लोग स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ते थे तो एक बहुत बड़ा विषय था, और इसको ध्यान में रखना और इसको अच्छे से समझना ये कभी पढ़ते पढ़ते हो नहीं पाया, ऐसा मुझे लगता है, कम से कम मुझसे नहीं हो पाया। तो मैं जब पढ़ाने लगा इसको और देखता हूँ छात्रों को, तो बहुत सारी चीजें हैं वो ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो इसको कैसे आसानी से ध्यान में रखा जाए और इसको कैसे आसानी से पढ़ा जाए, इसकी एक कोशिश मैं छात्रों के सामने रखना चाहता हूँ। और देखिए, जितना भी समय पृथ्वी को 4,600 मिलियन ईयर या 4.6 बिलियन ईयर, बिलियन मीन्स 10^9 के पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ ऐसा हम मान रहे हैं, और तब से लेके आज तक के समय को ये विभाजित किया गया है। और इसके विभाजन में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बड़े नए नए शब्द, एजोइक, फेनेरोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, ये सब कैसे बनाया, कैसे बांटा गया है। तो जब छात्र पढ़ता है क्लास में तो ये थोड़ा सा कठिन उसको समझ में नहीं आता है। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका हो सकता है कि मान लीजिए पृथ्वी का निर्माण 24 घंटे में हुआ, यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो 24 घंटे में यदि हो तो हम 24 घंटे को 2 भागों में बांटते हैं, दिन और रात। दिन का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और रात का मतलब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। यदि हम इसी सिद्धांत पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 2 भागों में बांटे तो हम 2 इयोन्स में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा जो पैमाना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटने का वो इयोन है। एक है एजोइक, अब ए मीन्स नो, जोइक मीन्स लाइफ। इतना अगर छात्र ध्यान में रख ले कि जहां भी जोइक आएगा वो लाइफ है। ए मीन्स नो, एवरीबॉडी नोज इट, ए मीन्स नो, नो लाइफ मीन्स नो लाइट इज नाइट देयर, वहां रात की बात है, और नो लाइफ इज एजोइक हियर,
और उसके बाद फेनेरो ज़ोइक, फेनेरो, फेनेरो मींस प्रेजेंट, फेनेरो का मतलब होता है प्रेजेंट, तो व्हेन द लाइफ वाज प्रेजेंट उसको हम कहते हैं फेनेरोज़ोइक, ये भी एक यौन है। ये दोनों को जो फेनेरोज़ोइक और एज़ोइक यौन को जो बांटा गया है, इसकी जो बाउंड्री आ रही है ये लगभग 560 यहाँ पे 542 मिलियन ईयर दी है, क्यों डॉक्टर साहब मैं अगर गलत ना हूँ तो 542 मिलियन ईयर दी है। ये थोड़ा बहुत छात्र देखेंगे हर पुस्तक में एक स्लाइट उनको वेरिएशन मिल सकता है, इसको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 542 मिलियन ईयर है, 542 मिलियन ईयर के नीचे का उन्होंने एज़ोइक का, उसके ऊपर का फेनेरोज़ोइक कहा। अब जैसा कि हमने दिन और रात में बांटा और दिन और रात को 24 घंटे को दिन और रात में बांटा, उसके बाद का क्लासिफिकेशन क्या है? उसके बाद का क्लासिफिकेशन है पहर। तो हम जानते हैं कि 8 पहर होते हैं, एक पहले गवर्नमेंट की पोस्ट होती थी इंटीरियर में होती थी, बस्तर वस्तर में, तो हमने देखा है कि अठ पहरिया कहते थे उसको, वो कोटवार के साथ होता था, अठ पहरिया मनसब मतलब जिसकी ड्यूटी 8 पहर होती है। तो पहर होता है 8 या 24, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो उस हिसाब से पहर में बांटा गया है। तो ऐसे ही इसमें आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। यहाँ फिर आप जोइक को कॉमन रखिए, जोइक मीन्स लाइफ, आर्कियो मीन्स ओल्डेस्ट, आर्कियो का मतलब होता है ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। देन प्रोटेरो मीन्स ओल्डर फॉर्म ऑफ लाइफ, देन पेलियो मीन्स ओल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, मीजो मीन्स मिडल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सीनो मीन्स न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जैसे कि हमने उसको 8 पहर में बांटा है, वैसे हमने इसको 5 ईरा में बांटा है, दिस इज कॉल्ड ईरा। तो ईयोन सबसे बड़ा पैमाना, उसके बाद ईरा, और उसके बाद हम आते हैं पीरियड्स में। तो पीरियड्स में जो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक है उसको तो लोअर मिडल अपर, लोअर मिडल अपर, ये 3 भागों में बांटा गया है। और पेलियोजोइक के बाद में इसका जो वर्गीकरण है वो बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से किया गया है, आप छात्र लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे पेलियोजोइक को कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइस परमियन, ये जो क्लासिफिकेशन है ये पेलियोजोइक का है। तो उसके बाद में मीसोजोइक को ट्राइसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस, और सीनोजोइक को टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, इन पीरियड्स में बांटा गया है। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन ईरा का जो है वो पीरियड्स में किया गया है, और यह जो क्लासिफिकेशन है ईरा का पीरियड्स में, ये उस क्षेत्र में पाई जाने वाली शैलों के आधार पे और उन शैलों के रिकॉर्ड में जो एक जिसने कहना चाहिए परिवर्तन देखा गया है, उस परिवर्तन के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है। कैम्ब्रिया के नाम से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियस एंड सिल्यूस, दो एक ट्राइब्स होती है इंग्लैंड की, ट्राइब्स है वहां की, उसके नाम से ऑर्डोविशियस एंड ऑर्डोविशियन एंड सिलूरियन किया गया है। डियोनशायर ऑफ रशिया के नाम से डियोनियन किया गया है। कार्बोनिफेरस एक न्यू केसल नाम का एक शहर है इंग्लैंड में, वहां पे इंग्लैंड में न्यू केसल में कोल पाया गया था सबसे पहले, कार्बन कोल पाया गया था, तो वहां की जो रॉक्स है उसके आधार पे उसको कार्बोनिफेरस कहा गया, कार्बोनी मींस कार्बन, कोल। एक अंग्रेजी में एक कहावत भी आती है डॉक्टर साहब, अगर आपने सुनी होगी, कि टेकिंग द कोल टू द न्यू केसल, मींस जिसको हम हिंदी में जिस कहावत को हम कहते हैं उल्टे बास बरेली को। सो वन कैन नॉट टेक कोल टू द न्यू केसल बिकॉज कोल इज ऑलरेडी देयर, बरेली में बास बहुत होते रहे होंगे, इसलिए ये कहावत बनी होगी कि तो उल्टे बास बरेली को, उल्टे पास बरेली को कैसे जाएंगे, तो टेकिंग द कोल टू द न्यू केसल, तो न्यू केसल में वो कोल मिला था इसलिए उसके आधार पर उसको कार्बोनिफेरस कहा गया। फिर पर्म बेसिन रशिया में उसके आधार पर उसको परमियन कहा गया, वो उस रॉक के। उसके बाद ट्राइसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस, ये जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है जर्मनी एंड फ्रांस के रॉक्स का, उसका ट्राइसिक है, ड्यूरा माउंटेन के आधार पर उसको जुरेसिक कहा गया है। यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा छात्रों को, ये बहुत ही विश्वविख्यात फिल्म सभी ने देखी होगी, जुरेसिक पार्क, तो वो यही जुरेसिक है, क्योंकि अभी हम आगे जब देखेंगे तो ये पूरी मीसोजोइक ईरा जो है वो एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाती है, और इस पीरियड में ट्राइसिक में लगभग अपर परमियन में या ट्राइसिक में डायनोसोरस आए थे। अब आप सोचिए डायनोसोरस पूरे मीसोजोइक में रहे, मतलब राइट फ्रॉम 250
1 million year to 145 million year, मतलब 251 से आप 145 माइनस कर लीजिए, लगभग 100 मिलियन ईयर डायनासोर रहे। अभी इंसान को आज इतना समय नहीं हुआ पृथ्वी पे, हमसे ज्यादा पृथ्वी पे डायनासोर रहे, हमसे ज्यादा पीरियड में पृथ्वी पे डायनासोर रहे हैं। तो पृथ्वी पे सभी प्रकार के डायनासोर उस समय थे, और ये जो डायनासोर थे सबसे ज्यादा मात्रा में जुरेसिक पीरियड में थे, इसीलिए वो उस समय उस फिल्म का नाम जुरेसिक पार्क जो कहा गया। जब क्रेटा माउंटेन फ्रांस में एक चाक, जिस माउंटेन में चाक रॉक मिलती है उसके आधार पे इसका नाम क्रेटा क्रिटेशियस रखा गया। टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ये टर्शरी पीरियड है, इसका नाम जो उस एज में वो जो रॉक्स मिली उस एज के नाम पे इसका नाम टर्शरी रखा गया और क्वार्टरनरी। बाद में और फर्दर क्लासिफिकेशन टर्शरी क्वार्टरनरी का आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। टर्शरी को बांटा गया पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ये फर्दर उसको टर्शरी को बांटा गया, और क्वार्टरनरी को प्लिस्टोसिन और रिसेंट में बांटा गया जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटा गया। तो याद कैसे रखना है, मैं आपको जो यहाँ से छात्रों को जो बोल रहा था कि जब मैं पढ़ता था तो मुझसे तो याद इतना बड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं होता था, लेकिन यदि आप इसको बहुत युक्तियुक्त तरीके से याद रखना चाहे तो जैसे दिन को दो भागों में बांटा गया है, दिन और रात, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, वैसे ही आप याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ द लाइफ योन दैट इज अजोइक एंड फेनेरोजोइक। उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइफ ले लीजिए आप, तो आपको एजोइक को आपने बांटा है आर्कियोजोइक एंड प्रोटोजोइक में। आर्कियो मीन्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एंड प्रोटो मीन्स ओल्डर फॉर्म ऑफ लाइफ। देन पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, इसको आप फेनेरोजोइक को तीन भागों में बांटा गया है, दैट इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, देन मिडिल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। इस प्रकार से यदि आप याद रखेंगे तो याद बहुत आसानी से रख सकते हैं। और फिर आपको पेलियोजोइक को केवल याद रखना है कि कैम्ब्रिया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये उसके उस क्षेत्र में पाए जाने वाली शैलों के आधार पे इनका नाम नॉमेनक्लेचर किया है। और यहाँ पे आप मिलियन ईयर्स में इनकी बाउंड्रीज भी देख रहे हैं। तो अगर आपको बहुत हर पीरियड की बाउंड्री याद रखने में कोई समस्या हो रही है, याद नहीं भी रख पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेजर बाउंड्री शुरू करिए, आप आर्कियोजोइक से 4600 मिलियन ईयर से, उसके बाद में आर्कियोजोइक को जहां से प्रोटोजोइक शुरू हुआ वो है आपका 2500 मिलियन ईयर, प्रोटोजोइक रहा 2500 मिलियन ईयर से 560 यहां पे लिखा है तो 542 मिलियन ईयर, और फिर 542 मिलियन ईयर से लगभग 260 यहां पे दिया गया है 251 मिलियन ईयर तक रहा पेलियोजोइक, और 251 मिलियन ईयर से 65 मिलियन ईयर तक रहा मीसोजोइक, और 65 मिलियन ईयर से आज तक रहा सीनोजोइक। इतना भी ज्यादा यदि हम याद रख लेते हैं तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अभी सर जो चीजें आपने बताई इतना बढ़िया तरीके से आपने उसको समझाने की कोशिश की, तो उस समय मेरे मन में एक विचार आया जी, और उसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की जी, कि जो ये जो एजोइक एरा है जी, ये अपने आप में पृथ्वी के इतिहास का करीब करीब अपन मान ले 2100 मिलियन ईयर्स को ये कवर कर रहा है जी, है ना। और बचा हुआ जो 2500 मिलियन ईयर्स है जी, जी, उसके अंतर्गत ये फेनेरोजोइक यौन जिसको नहीं, केवल 560 अच्छा, केवल 560 से लेके आज तक 560 से लेके अभी तक जो है ये उसमें फेनेरोजोइक बहुत ज्यादा डिवीजन उसके आपको देखने को मिलेंगे। अब एजोइक के बाद में प्रोटोरोजोइक आया, तो कुल मिला के जो फेनेरोजोइक यान है ये हार्डली 542 मिलियन ईयर्स या 560 मिलियन ईयर्स का स्पैन है, और बचा हुआ जो स्पैन अगर हम लोग मान लें करीब 4000 मिलियन ईयर्स का स्पैन जो है उसका ज्यादा डिवीजन नहीं हो पाया, उसका ज्यादा डिवीजन नहीं हो पाया। तो ये ऐसा ही सर कि रात में हमारी गतिविधियां बड़ी कम होती है क्योंकि सनलाइट नहीं होता है, और दिन में हमारी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, हम खाना भी खा लेते हैं, हम चले भी जाते हैं, हम अपने ऑफिस भी चले जाते हैं, हम सब्जी भी ले आते हैं, हम सब करते हैं। वैसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे समय ने किया है, जब से लाइफ आई है तब से हमको रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मिला है। देखिए रात भी 12 घंटे की होती है, दिन भी लगभग 12 घंटे का होता है, होता तो बराबर है,
लेकिन गतिविधियों की बात है, गतिविधियों के आधार पर बहुत सुंदर। मुझे सर याद आता है जब आप हमारे डिपार्टमेंट में आकर एक बार लेक्चर दे रहे थे, आपने स्टैटिग्राफी को एक बहुत सुंदर ढंग से समझाया था। स्टैटिग्राफी या हिस्टोरिकल जियोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिस ब्रांच में हम लोग जियोलॉजी के पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिग्राफी के नाम से जानते हैं, आपने उसकी एक डेफिनेशन बताई थी कि इट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स इन फोर डायमेंशन। ये ब्रेनर की डेफिनेशन है सर, 1988 की एक बुक है, उसमें ब्रेनर ने ये डेफिनेशन दी थी कि स्टैटिग्राफी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स इन फोर डायमेंशन, वेयर इन विद द मोर टेक्निकल जर्गोन द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। टाइम जी, तीन डायमेंशन तो हम जानते हैं, तीन डायमेंशन में तो हम पढ़ते हैं विड्थ लेंथ एंड हाइट डेप्थ। तो उसके अलावा यदि आप रॉक को दो जगह की रॉक को टाइम से भी कोरिलेट करें या कंपेयर करें, दैट इज, तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये उस फोर्थ डायमेंशन को हाईलाइट कर रहा है। फोर्थ डायमेंशन के लिए ये बहुत बड़ा बाइबल है जी, बहुत बड़ा बाइबल है, वर्ल्ड वाइड स्केल, इट इज अ वर्ल्ड वाइड स्केल। हो सकता है हम इंडिया में किसी दूसरे पैमाने के लिए, मान लीजिए हमको कोई चीज खरीदनी है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ हो सकता है कि हमको पायली में मिल जाए, पायली आप समझते होंगे, शेर में मिल जाए, शेर भी हम लेकिन यहाँ आप अगर आप इटली चले जाए, जर्मनी चले जाए, आप जापान चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, क्रिटेशियस इज क्रिटेशियस, वहां कोई पैमाना चेंज नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर सी बात अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में सर आपने रखी। सर इसके बारे में और भी मैं जानना चाहूंगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसकी यूटिलिटी या उसका उपयोग जब हम स्टैटिग्राफी पढ़ते हैं, तो जैसे हम स्टैटिग्राफी अगर साउथ इंडिया की पढ़ें तो उसके बारे में कुछ आप हमको गाइड करना चाहेंगे क्या, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल और स्टैटिग्राफी ऑफ साउथ इंडिया? नहीं, साउथ इंडिया के मैं तो अपन चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहा है तो उसको एक क्लियर कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि देयर इज अ थंब रूल। आप कहीं भी किसी भी शहर में जाइए, तो हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, गोल बाजार आपको हर जगह मिलेगा, मतलब लगभग हर जगह मिलेगा, सिविल लाइन्स आपको लगभग हर जगह मिलेगी, आपको कपड़ा मार्केट हर जगह मिलेगा। तो यदि आपको कपड़ा खरीदना होगा तो आप कपड़ा मार्केट जाएंगे, आप सब्जी मार्केट नहीं जाएंगे। भले ही सब्जी मार्केट में एक हाथ कपड़े की दुकान होगी वो बात अलग है, लेकिन आपको कपड़ा खरीदना है तो आप कपड़ा ही मार्केट जाएंगे। तो यदि आपको कहीं की भी जियोलॉजी अगर स्टडी करनी है तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के खाचे में उसको बिठा के देखिए। तो जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है उसको यदि हम देखें डॉक्टर साहब, तो एक चार फोर स्टेजेस में एक इवोल्यूशन आप आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक के अर्थ का हम सभी जगह मान सकते हैं। सबसे पहले जो है नाइसेस आई, नाइसेस बनी, जो अर्थ जब ठंडी हुई होगी, जो रॉक्स रही होगी, ये कंट्रोवर्सी अभी भी है और अभी अभी लोगों ने नाइसेस कहना शुरू किया। पहले हम सिस्ट को सबसे पुरानी रॉक मानते थे, कि सिस्ट जो है ओल्डेस्ट प्रीमोर्डियल क्रस्ट, जिसको हम कहते थे कि पुरानी प्रीमोर्डियल क्रस्ट है उसी से। अभी ये कई जगह खोजा गया कि नाइसेस भी उससे ओल्डर है। तो नाइसेस या सिस्ट हम दोनों को एक ले लेते हैं। तो पहले नाइसेस आई, प्रीमोर्डियल क्रस्ट, उसमें नाइसेस, ग्रेनिटिक नाइसेस का इंट्रूजन हुआ। और इस प्रीमोर्डियल क्रस्ट और इस नाइसेस में, जैसे हम साउथ इंडिया में देखेंगे ना, तो इसमें जो ऊपर में तो सबसे क्लोज पेनिनसुलर नाइसेस, सरगुस एंड पेनिनसुलर नाइसेस, ये दोनों आपको नीचे में मिलती है। और इन दोनों ने मिलके, जैसे हम बस्तर में देखेंगे तो आपको नाइसेस मिलती है, बस्तर में यदि आप देखेंगे तो आपको नाइसेस मिलती है, और नाइसेस के साथ आपको सिस्ट मिलती है वहां पर प्रीमोर्डियल क्रस्ट का के रिमेनेंट के रूप में। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने क्रेटॉन्स का निर्माण किया, और इन दोनों ने क्या बेसिन्स का निर्माण किया, और इन बेसिन्स में फिर सभी जगह आप देखिए, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में आपको मेटा सेडिमेंट्स मिलते हैं, मैं बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, PIF डाल दीजिए या मैग्नेट, वो आपके मैंगनीज की रॉक्स डाल दीजिए, तो आपको सेंट्रल इंडिया में मैंगनीज के ओर्स मिल जाएंगे,
जिसमें कोंडाइट रॉक्स में हमको मिलते हैं। हम बस्तर में जाएंगे तो हमको BHQ BHJ मिल जाएगा, जो भी बेंडेड BIF जिसको हम कहते हैं बेंडेड आयरन फॉर्मेशन। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो भी आपको BIF मिल जाएंगे। तो ये जो BIF फॉर्मेशन हुआ ना साहब, ये इन सिस्ट और नाइसिस ने जो कंबाइंड रूप से क्रेटों बनाए, बेसिन बनाए, उन बेसिन में जो सेडिमेंटेशन हुआ, उस सेडिमेंटेशन और उसके मेटामॉर्फिज्म के कारण, बाद में जो मेटामॉर्फिज्म हुआ तो उसके कारण ये इन रॉक्स का निर्माण हुआ। आपको आपको अलग अलग एरिया में वो अलग अलग मिलेगी, उनके नाम अलग अलग है, लेकिन ये कि मैंने बताया कि आप एक खाचे में फिट करिए तो ये खाचे में फिट हो जाएगा। ये सब जगह आप बस्तर में फिट करिए, साउथ इंडिया में फिट करिए, सेंट्रल इंडिया में फिट करिए, तो ये उस खाचे में फिट हो जाएगा। उसके बाद में द्वारा आप जो आगे स्टैटिग्राफिक कोरिलेशन की बात आती है जी, वो शायद इसी के आधार पर, और उसके बाद में चौथे स्टेज में फिर ग्रेनेटिक इंट्रूजन हुआ है। चौथे स्टेज में ग्रेनेटिक इंट्रूजन हुआ है, जो प्रोटोजोइक अपर प्रोटोजोइक एज के तक आता है, मिडल टू अपर प्रोटोजोइक। उसमें आप हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे कांकेर ग्रेनाइट है, उसमें डोंगरगढ़ ग्रेनाइट है, ये फोर्थ स्टेज ऑफ ग्रेनेटिक इंट्रूजन है, ये ग्रेनेटिक इंट्रूजन हुआ है। उसके बाद में फिर हम जानते हैं कि उसके बाद में तो फिर पेलियोजोइक शुरू हो गया, पेलियोजोइक की सारी कैम्ब्रियन ऑर्डिनेशन, इसमें फिर सेलाइन सीरीज एंड ऑल, गोंडवाना आया तो गोंडवाना में फिर पोलिफिकेशन वाली रॉक्स बनी, सब जगह वही बनी। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको यदि यदि आप इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप गोल्ड पढ़ रहे हैं, तो केवल आपको कोलार गोल्ड फील्ड आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोलार गोल्ड फील्ड जब बना उस समय क्या कंडीशन थी, उस समय पेलियोजल भी क्या रही होगी, उस समय पेलियो क्लाइमेट क्या रहा होगा, और वो कहाँ कहाँ एक साथ बना होगा। ऐसा नहीं कि उस समय इंडिया अलग था और वहां गोल्ड बन गया। That time India was united with the Antarctica, Australia, Africa, South America, और ये सारे continents में gold का mineralization एक साथ हुआ है, क्योंकि Gondwanaland जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर मैं तो आपसे request करना चाहूँगा कि एक बार जैसे एक geological history of the earth with special reference to archaeans of इंडिया, ऐसा एक टॉपिक, उस पर भी अगर आप कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें सारी चीजें, चाहे वो इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का इवोल्यूशन हो उसकी बात हो, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से जो चीज अभी आपने शेयर की उसकी बात हो, तो एक, एक, एक कहना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच जी उस पूरा आर्कियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसके बारे में हम लोग जरूर आपसे जानना चाहते हैं। किसी किसी डॉक्टर साहब, ये आपके आदेश का पालन करने की मैं कोशिश करूंगा और आप ही के सहयोग से आपको भी मैं इसमें आमंत्रित करूंगा, तभी ये संभव होगा। इसको अपन किसी अगले लेक्चर में जरूर रखेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा यदि आप इजाजत दे, तो इस भूवैज्ञानिक समय चक्र में जीवन का विकास कैसे हुआ। तो आपके पास वो एक स्लाइड हो तो यदि हम स्क्रीन पे देख पाए तो हम उस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। ये वाला बहुत सुंदर। तो इसमें जैसे हमने कहा था सॉरी, इस स्लाइड में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं जी, समय के सापेक्ष पृथ्वी पर जीवन के विकास का चित्रण इस स्लाइड में हमको देखने को मिल रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ, इसमें छात्र देख पा रहे होंगे, जैसे हमने बताया कि इयोन्स में एजोइक, और फिर जब उस एजोइक इयोन को दो इरा में बांटा तो उसको हमने कहा आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरो का मतलब है ओल्डर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको आप कहीं कहीं क्रिप्टोजोइक भी लिखा पाएंगे। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, तो ये छुपा हुआ इसलिए कि पहला इंडिकेशन ऑफ लाइफ का यदि कहीं मिलता है तो वो हमको इस प्रोटोजोइक में मिलता है, एंड दैट इज द स्ट्रोमेटोलाइट्स। वो हमको यहाँ इवन छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, रशिया में भी मिलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर एक विलेज है जगदलपुर के पहले 14 किलोमीटर पहले, वहाँ उसके वहाँ पे जो लाइम स्टोन है उसमें हमको उसके रिमेनेंट्स मिलते हैं। और ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स है, they are not, neither they are fossils nor they are structures, they are organo sedimentary structures, organo sedimentary structures,
दे आर नॉट फॉसिल्स स्ट्रिक्टली, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली, इसको अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा है। और यहाँ इवन महादेव घाट में यदि आप जाएंगे रायपुर में, तो यहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसमें भी हमको ये स्ट्रोमेटोलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो उस समय जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी जो रहती थी कॉलोनीज बना के, उस कॉलोनीज के ये रिमेनेंट्स है जिसको हम स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं और इसको पहला पहला इंडिकेशन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो जब रशिया वॉज वेन द वर्ल्ड वॉज बाइपोलर, उस समय रशिया का जो से था उससे उन्होंने क्रिप्टोजोइक कहा था, उन्होंने एजोइक कहने पे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था वहां के जियोलॉजिस्ट ने कि व्हेन देयर इज अ लाइफ तो व्हाई यू आर सेइंग इट एज एजोइक और आर्कियोल, सो दिस इज द क्रिप्टोजोइक, लाइफ इज देयर। और अभी हमने सुना है, आपने भी सुना होगा डॉक्टर साहब, कि प्रोटोजोइक में ऑयल भी खोजने की कई के प्रोजेक्ट ओएनजीसी ने भी कई जगह लॉन्च किए हैं और दुनिया में भी ये काम चल रहा है। अगर वहां पे ऑयल है इसका मतलब लाइफ रही होगी अगर ये खोज रहे हैं तो। चलिए उस चर्चा को हम वी विल लीव इट असाइड बिकॉज वो विषय अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी से, उसके बाद में लाइफ जो आई कैम्ब्रियन में आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स आए और उसमें जैसे आपको पैराडॉक्स जो फॉसिल्स के नाम है आप ट्राइलोबाइट्स उसमें आए जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। तो पहले मोनोसेलुलर आए, फिर मल्टीसेलुलर आए, फिर इनवर्टिब्रेट्स आए और इस इनवर्टी के बाद वर्टिब्रेट के बाद पहला वर्टिब्रेट इसमें पता नहीं इसमें बता रहे हैं वो इट वाज इट केम इन द ऑर्डोविशियन, फर्स्ट फिश अपीयर्ड इन द ऑर्डोविशियन। तो पहली फिश ऑर्डोविशियन में हमको मिली और ऑर्डोविशियन से लेखिए देखिए अभी तक वो फिश जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक फिश एग्जिस्ट कर रही है। यदि हम उसकी बात करें रीढ़ वाले क्रिएचर की तो फिश की सबसे लंबी उम्र है, वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद ऑर्डोविशियन के बाद उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ फर्स्ट एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं एक चीज छात्रों के ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि ये बहुत बृहद सब्जेक्ट है, इसमें तो एक एक लेक्चर एक एक चीज पे हो सकता है, लेकिन हम जितने इसको कवर करना चाहे कवर कर सके तो अच्छा होगा। याद हमको बस रखना है कि प्रोटोजोइक में अपर मिडल टू अपर प्रोटोजोइक में स्टोमेटोलाइट्स आए, उसके बाद में वो दैट वाज द फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, उसके बाद में मोनोसेल्युलर देन मल्टीसेल्युलर देन इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स के रूप में फर्स्ट फिश आई। उसके बाद में सिल्यूरियन में देयर वेर फर्स्ट प्लांट अपीयर लैंड प्लांट, पहला लैंड प्लांट सिल्यूरियन में आया था और उसके बाद में जॉर्ड फिश डाइवर्सिफाई, उसके बाद में एम्फीबियंस आ गए फिश के बाद, सबसे पहले फिश के बाद उसका जो इवोल्यूशन हुआ वो एम्फीबियंस में हुआ। एम्फीबियंस के बाद में फिर वो आप देख पा रहे होंगे उसके बाद ये दैट रेप्टाइल्स आए, वो कार्बोनिफेरस में आ गए थे रेप्टाइल्स, और वो रेप्टाइल जो है उसके बाद उसका जो फ्लरिश हुए वो मैंने अपन ने अभी चर्चा की थी वो मिसोजोइक में सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए, जो भी डायनासोरस, हाँ एज ऑफ डायनासोरस मिसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स जिसको हम कहते हैं। तो वो उसमें बहुत सा टाइप के रेप्टाइल्स थे, बहुत सा टाइप के डायनासोरस थे, फ्लाइंग डायनासोरस, स्विमिंग डायनासोरस, कार्निवेरस, हर्बीवोरस, सब टाइप के डायनासोरस, मेरे टाइनी डायनासोरस, बहुत जायंट डायनासोरस एक ट्रक के आकार के और छोटे से पेंसिल के आकार के इस टाइप के डायनासोरस थे। तो ये मिसोजोइक में हुए, तो रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड्स आए और बर्ड्स से फिर उसके बाद में बर्ड्स के बाद में मेमल्स आए। तो एक 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 फॉसिल का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा आर्कियोटेरिक्स, आर्कियो का मतलब ओल्डेस्ट हाँ, और उस टेरिक्स का मीन्स पंख। तो एक ऐसा फॉसिल मिला है जिसमें वो पंछी था और उसके दांत थे, तो इसका मतलब है पक्षियों के तो दांत नहीं होते हैं, तो वो दांत थे, इसका मतलब इट वॉज अ ट्रांजिशन इन बिटवीन द बर्ड एंड पार्डन reptiles, bird and a reptile. So this is a evolutionary trend ये दिखाते हैं। मैं एक और चीज का यहाँ पे थोड़ा सा विषयांतर यदि नहीं हो तो उल्लेख करना चाहूंगा कि old Hindu philosophy में
हम वामन हम दशावतार की बात करते हैं, तो दशावतार में ये मोनोसेल्युलर मल्टीसेल्युलर तो नहीं है, लेकिन लगभग वो 10 अवतार जो बताए गए हैं, शुक्र अवतार, मत्स्य अवतार, वरहा अवतार, कच्छप अवतार, तो ये सब रेप्टाइल एंड ये सब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा हम उसको यदि साइंटिफिकली देखें हम उसको करें तो हम वी कैन कोरिलेट विद द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे समय काल गुजरता गया आगे सेनोजोइक लाइफ में मैमल्स का भी डाइवर्सिफिकेशन होता गया, वो भी इवॉल्व होते गए, और अल्टीमेटली अभी जो मानव जो वर्तमान स्थिति में है, जो कि माना जाता है कि हम लोग जो मानव प्रजाति है ये पृथ्वी पर जीवन के इवोल्यूशन का पीक है, सुप्रीम क्रिएचर ऑफ गॉड नेचर। जी 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 जी, तो ये बड़ी एक अद्भुत सी बात जो पृथ्वी पर जीवन जहाँ एक कोशीय जीव से शुरू होकर और अभी उसका कल्मिनेशन मनुष्य के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये कोई आज मैं उसको बड़ा मतलब आपकी इजाजत से चर्चा करना प्रासंगिक समझता हूँ, ये सारा मामला जब हम ये स्लाइड हमारे स्क्रीन पे है तो ये हमारे को समझ में आ रहा है कि ये सारा मामला सह अस्तित्व का है। अभी कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा है तो मैं किसी फेसबुक में या व्हाट्सएप में देख रहा था कि पंछी फिर से वापस आने लगे शहरों में, कई जगह नीलगाय दिखने लगी, कई जगह जो है वो कछुए लाखों की संख्या में बीच पे आ गए, कई जो जानवर है बेखौफ आके सड़कों पे बैठ रहे हैं, तो बड़ा सुंदर। और हमने यही खत्म किया, हमने हमारी जो ईश्वर ने हमको एक ताकत दी थी उसका हमने कहीं कहीं दुरुपयोग किया और उसी का परिणाम है शायद कि आज हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ये मामला जो है वो सह अस्तित्व का है, इस विज्ञान को पढ़ने का हमारे दिमाग में ये जरूर प्रयोजन होना चाहिए कि इस विज्ञान को पढ़ने का भी उद्देश्य मानवता ही है, धर्म को पढ़ने का भी उद्देश्य मानवता है, विज्ञान को पढ़ने का उद्देश्य भी मानवता है। तो सर ये इसके बाद में अपन इसमें मैं छात्रों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसमें अब देखिए कि समय कैसे कैसे बदला। तो इसमें क्लाइमेट की बात हम ले लेते हैं, बहुत शॉर्ट में मैं ले पाऊंगा, बहुत विस्तृत में तो डॉक्टर साहब हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसको तो कई 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 लेक्चर लगेंगे इसमें। तो जैसे आप देखिए कि जब पृथ्वी बनी होगी तो पहले पृथ्वी मॉडर्न स्टेज में रही होगी, पिघली व्यवस्था में रही होगी, फिर वो धीरे 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 वो ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद इस पृथ्वी पे 5 आइस एज आए हैं ऐसा हम पढ़ते हैं, और उस आइस एज का हमको रिमिनेंट्स मिलता है, हमको उसके फॉसिल्स मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं हमको, भूवैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं, तो उसके आधार पर 5 आइस, तो जैसे प्रोटोजोइक के आखिरी में खत्म होते होते एक आइस एज आ गया था, अभी जो लास्ट आइस एज आया था उसका रिमिनेंट हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर हम जो हिमखंड देखते हैं उसका रिमिनेंट हमको वो जो लास्ट आइस एज आया था उसके रिमिनेंट के रूप में मिलते। अब इसमें क्लाइमेट कैसे बदला और उसके क्या 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 प्रमाण हमारे पास उपस्थित है, तो इसके 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि अगर आपको नटशेल में छात्र इसको समझ जाए तो वो फिर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं उनके पास जो उपलब्ध लिटरेचर है उससे। जैसे मान लीजिए हम आते हैं गोंडवाना की रॉक पे, गोंडवाना की रॉक में हमको मालूम है कोल हमको मिलता है उसमें, गोंडवाना की रॉक में हमने नीचे यदि हम उसका सक्सेशन देखे तो तालचीर दामोदा पांचे ताड़ेपा मारेजा महादेवा राजमहल जबलपुर, अगर छात्र ये भी ध्यान रखे कि उनको यदि याद रखना है तो वो इस प्रकार से याद रख सकते हैं ताड़ेपा मारेजा तालचीर दामोदा पांचे महादेवा राजमहल जबलपुर, ये पूरा गोंडवाना का सक्सेशन हो गया।
तालचेर दामोदर पांचेर, उसके बाद अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना में तीन। तो इसमें नीचे में जो तालचीर है वो तालचीर बोल्डर बेल्ट उड़ीसा में एक जगह है तालचीर, जिसमें बोल्डर बेल्ट पाए गए हैं। और हमको पता है बोल्डर बेल्ट जो है वो एविडेंस होते हैं ग्लेशियल एज के, मतलब कोल्ड क्लाइमेट एंड ग्लेशियल एज, कोल्ड क्लाइमेट एंड आइस एज के। तो उस कोल्ड क्लाइमेट में अब कैसे पता चला, तो उस बोल्डर बेल्ट में जो फेल्सपार है, हम जानते हैं कि फेल्सपार ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, वो क्ले में बदल जाता है। तो लेकिन उस समय चूंकि वो था कोल्ड एज थी, कोल्ड क्लाइमेट था, तो उसमें जो फेल्सपार है वो अनडिकम्पोज्ड है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। इसका मतलब वहां पे वो, और बोल्डर है तो बोल्डर तो आइस के खसकने से, एक जगह के दूसरे जगह खसकने से वो बोल्डर बन जाते हैं, तो दैट इज तालचीर बोल्डर बेड। वैसे कोल कैसे बना, कोल बनता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कैसे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स जिसको कहते हैं वो देना चाहता हूँ कि उस समय वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कैसे रहा होगा। तो अभी जितने जंगल है उस, ये मान लीजिए कि इससे लाखों गुना जंगल उस पृथ्वी पे रहे होंगे, लाखों गुना, ऑल द अर्थ वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। और यह जंगल सेडिमेंटरी रॉक से दब गए, ये दबे, और दबने के बाद उसका जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे गड्ढा करेंगे तो 1 degree Fahrenheit per 65 feet के रेट से टेम्परेचर बढ़ता है। इस रेट से मान लीजिए कई किलोमीटर ऊपर तक वो रॉक्स रही होगी तो नीचे टेम्परेचर कितना रहा होगा वो आप सोच लीजिए। और जब ये जंगल दबे तो अंदर में वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ, और जैसे कि जो लकड़ी का कोयला हम जलाते हैं उसको भी बनाने की प्रोसेस वही होती है, छात्र जानते होंगे, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कम्बशन, अपूर्ण दहन। और अपूर्ण दहन मतलब वो कैसे करते हैं कि एक एक वो लकड़ी जमा कर देते हैं, उसके बाद उसको मिट्टी से पोत देते हैं और एक छोटा सा जगह खोल देते हैं जिसमें से वो आग लगा देते हैं। तो क्योंकि पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती इसलिए वो लकड़ी पूरी जल नहीं पाती, तो वो अधजली रह जाती है ना। तो वो मीरा का वो एक लाइन आपको याद आ रही होगी कि मैं ऐसी जली शाम के, उसमें उसने कहा है कि मैं कोयला भई न राख, है ना। तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसी लकड़ी जलती है कि वो कोयला हो जाती है, राख नहीं होती वो। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीजन मिल जाए तो वो राख हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट कम्बशन, उसमें जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण में वो जो जंगल दबे उससे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ, और वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में कोलिफिकेशन की प्रोसेस हुई और कोल बना। वैसे आप देख लीजिए सेलाइन सीरीज या जिप्सम मिनरल जहां मिलता है सॉरी ये जिप्सम जो है वो किस क्लाइमेट का धोतक है, जिप्सम जो है वार्म ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट का धोतक है। नमक भी जहां मिलता है हमको सेलाइन सीरीज, हम ये जो आप देखते होंगे ये जो हम सेम ये नमक खाते हैं पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं आजकल हिमालयन सॉल्ट के नाम से, बड़ा महंगा मिलता है वो सॉल्ट भी सेलाइन सीरीज में बना है। तो उस समय वार्म एंड एरिड क्लाइमेट, ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट रहा होगा, जिसके वजह से उस पानी का इवोपरेशन हुआ और उसमें साल्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और उससे नमक बना। तो ये जो एज, ये हमको जो रिकॉर्ड मिलते हैं इस रिकॉर्ड के आधार पे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम समय समय पे उसको कोरिलेट करके क्या क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे हुए ये भी हमको ध्यान, क्योंकि अगर हम कोल पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक जियोलॉजी में कोल पढ़िए, लेकिन आपके दिमाग में जैसे ही कोल की बात आती है आपके दिमाग में आना चाहिए उसमें पेलियोग्राफी क्या रही होगी। तो पेलियोग्राफी उसमें गोंडवाना लैंड रहा, गोंडवाना लैंड में मतलब इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, दिस वेयर टुगेदर, और इसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे। और ये पेंजिया से टूट के बना था, है ना। तो उस समय ये पेलियोजियोग्राफी ये रही होगी और ये बाद में और पेलियोजोकी ज्योग्राफी चूंकि ये थी तो इसलिए ये क्लाइमेट सब जगह एक जैसा रहा होगा, तभी एक साथ कोल बन सकता है। अभी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर एक जैसा हो, अलग अलग है क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट अलग अलग है। उस समय चूंकि कोल बना तो कोल, ये जरूरी नहीं है कि एक साथ पांच कॉन्टिनेंट में वो अलग अलग होंगे तो वहां भी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहा होगा, वहां भी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए वो एक साथ थे और एक साथ क्वालिफिकेशन हुआ, उसके बाद वो अलग अलग हुए।
तो ये कंसेप्ट अगर हम छात्र समझ में आ जाए कि हमको पहले ज्योग्राफी क्या रही होगी, उस समय क्लाइमेट क्या रहा होगा उस समय, तो वो जियोलॉजी बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर सर। सर जो ये पहले क्लाइमेट की आपने बात कही, मुझे याद आता है अल्फ्रेड वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के प्रमाण दिए थे उसमें से एक ये भी था। बिल्कुल, वो मैं उसको आपने याद दिला दिया मुझे, मैं उसको भी उद्धृत करना चाह रहा था कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो प्रमाण दिए थे, वन ऑफ द प्रमाण वाज दिस आल्सो। जी तो सर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय पैमाना, ये एक ऐसा वृहद विषय है जो कि भूविज्ञान की सभी शाखाओं को अपने अंदर निहित करता है, निहित समाहित करता है, और सभी शाखाओं को इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इसको समझ लीजिए, जैसे आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन कोरिलेट विद द इन द केमिस्ट्री विद द पीरियोडिक टेबल। तो लाइकवाइज इफ यू नो द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यू कैन कोरिलेट सो मेनी थिंग्स विद द जियोलॉजिकल टाइम। और इस पे तो साहब घंटों बोला जा सकता है, समय की कमी है, और आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाई। तो सर इस सत्र को समाप्त करने से पहले एक बार सारांश के बारे में कुछ चीज आपसे कहना चाहूंगा और हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सर ने हम लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि पूरा पृथ्वी का इतिहास है, उसके बनने से लेकर अभी तक का, उसको समय काल के अलग अलग खंडों पर स्पैन्स में उसको डिवाइड किया गया है, और ये जो स्पैन्स, टाइम स्पैन्स हैं, इनको हम लोग अलग अलग पहलुओं से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वह पहलू जीवन के विकास से संदर्भ में हो, चाहे वह पहलू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के संदर्भ में हो, चाहे वह पहलू ओर डिपॉजिट्स के बनने के संदर्भ में हो, और भी चाहे पहलू पहलू ज्योग्राफी और पहलू क्लाइमेट के संदर्भ में हो, सर कुछ कहना चाहेंगे? एक एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं छात्रों से भी शेयर करना। इस थॉमस पनामा का नाम हमने सुना है लगभग, हाँ, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। अब देखिए, बड़ी सुंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते समय यदि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो फॉसिल मिलते हैं, इस थॉमस पनामा की एज लगभग 2.8 मिलियन ईयर्स, तो वो अभी अभी रिसेंटली बना है। उसके पहले के जो फॉसिल मिलते हैं सब, वो दोनों कॉन्टिनेंट्स में जब तक कि वो एक थे तब तक तो एक जैसे मिलते हैं, उसके बाद में फॉसिल दोनों कॉन्टिनेंट में अलग अलग मिलते हैं। उसके बाद में 2.8 मिलियन ईयर में जब इस थॉमस पनामा बना, उसके बाद में आपको जो जो मैमल्स के फॉसिल है वो लगभग एक जैसे मिलते हैं, दैट एक्टेड एज अ ब्रिज फॉर द माइग्रेशन ऑफ द क्रिएचर्स। तो ये बड़ी सुंदर बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कोरिलेट कर सकते हैं। वही है कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो सम्यक होना चाहिए, वी हैव टू लर्न द टू सी द थिंग्स इन टोटेलिटी, इन होलिस्टिक वे। जी बहुत सुंदर सर, तो आज के इस सत्र के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी हैं आपके कि ये भूवैज्ञानिक समय पैमाना, जिसको हम लोग केवल एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या लिखना है, केवल उतने संकुचित दृष्टिकोण से न देख कर उसको हम लोग इस तरह से, जैसा आपने कहा, सम्यक दृष्टिकोण से जब उसको देखेंगे, समझेंगे, तो भूविज्ञान को पढ़ने का वाकई जो आनंद है वो हमको मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, छात्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।